नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेलिया। अनादि शख्सियत में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उस हस्ती की जिसने सामाजिक सरोकार और संस्कार आरएसएस की शाखाओं में सीखे, जिसने राजनीति का पहला पाठ भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठनों में सीखा और अब प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद पर नई दायित्व के साथ बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपना काम करने का तरीका उनका जो है उसकी मिसाल वो जिन 28 सीटों के जो उपचुनाव हुए इसमें वो दे चुके हैं। पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन उन्होंने चुनाव को लेकर किया और खासकर पूरी रणनीति के वे बनाने में या रणनीति को संचालित करने में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। ऐसे नेता मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी से आज हम बात करेंगे। सबनानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सबनानी जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये जो 28 सीटों के जो चुनाव हुए, आपको प्रदेश महामंत्री के नाते इस चुनाव की कमान दी गई थी, एक पूरा का पूरा एक टीम आपके साथ काम कर रही थी जिसको आपने लीड किया। हमने आपको देखा कि आप मुख्यमंत्री निवास, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और मुझे लगता है कि चुनाव बीतने के बाद भी अभी तक आपका काम चल रहा है, तो ये ऐसा कैसा काम था और क्या अभी इसमें चल रहा है? प्रभु जी, ये 28 विधानसभा के उपचुनाव, ये तो मार्च में ही हमको जानकारी हो गई थी कि ये चुनाव 6 महीने के भीतर होंगे। पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया और बीच में कोरोना के संक्रमण का ऐसा भयावह दृश्य पूरे देश में था, दुनिया में था, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन शनि शनि संगठन का काम चलता रहा और संगठन में योजना बनी और एक प्रबंध समिति का गठन हुआ। एक संचालन समिति के अलावा प्रबंध समिति बनी। प्रबंध समिति आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी और उसके बाद हमने काम शुरू किया तो जो योजना बना करके हमारी संचालन समिति के वरिष्ठ जनों ने दी उसको नीचे तक उतारना, 28 विधानसभा में चुनाव की दृष्टि से माहौल तैयार करना। और एक कठिनाई क्या लगती थी कि हम दो अलग अलग जो आमने सामने लड़ने वाले दो दल थे, आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले, वो कांग्रेस के जो विधायक थे वो भाजपा में आए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, तो उनको कार्यकर्ता के साथ ऐसा कहना चाहिए कि दूध में शक्कर कैसे मिलाना, ये प्रयत्न करना। तो इसके लिए संगठन की सबसे बड़ी उस समय जो जवाबदारी थी कि पहले तो ध्वनि एक निकले, संगठन की भाषा, संगठन का स्वर एक निकले। उस एक स्वर को निकालने के लिए जो भी बैठकें होती रही, कार्यक्रम होते रहे, उन कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ना, क्योंकि कार्यशैली का, कार्य संस्कृति का भारी अंतर है दोनों दलों में। भारतीय जनता पार्टी केडर में पार्टी है, नीचे के केडर से बात करती है, नीचे से के कार्यक्रम होते हैं और बूथ तक से पन्ना प्रभारी के नाते फिर सेक्टर बना करके मंडल और इस तरीके से हम ऊपर की ओर आते हैं, और कांग्रेस का काम करने का सिस्टम ऊपर से नीचे जाता, तो इसके ये विरोधाभास था। लेकिन प्रत्याशियों को ये धीरे धीरे एक विश्वास होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से वो झंडे के लिए काम करता है, चिन्ह के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए नहीं करता, और ये भावना उसके साथ जोड़ना, उसके साथ खड़ा करना, उसको उसका एकाकार करना, इसके कारण हमको चुनाव आते आते तक इतना स्मूथ हो गया कि न प्रत्याशी को ये लगने लगा कि मैं नए घर में हूं, न कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा कि कोई नया मेहमान है, उनको लगा हमारे अपने बीच का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, पूरी दिलो जान से चुनाव लड़ा। तो इसके कारण जो जो बीच के पड़ाव आते गए उसको पूरी तरीके से पूरी निगरानी रखते हुए पूरी टीम, एक टीम वर्क के रूप में काम होता है भारतीय जनता पार्टी में, प्रबंध समिति ने भी उसी रूप में काम किया। और ये बात सही है कि आगे चलकर मुझे जब सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली, और इसी दौरान मैं अस्वस्थ भी हुआ, अस्वस्थता के दौर में भी अस्पताल में, कोरोना के संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव हो गया था मैं, उस दौर में भी मुझे ऐसी चिंता रहती थी जो मेरे पास काम है उसको मैं पूरा करता रहूं, चाहे अस्पताल से करूं, फिर क्वारंटीन रहा तो वहां से भी, तो एक ऐसा लगता था कि एक अवसर आया है मध्य प्रदेश की जनता के पास कि एक अच्छी लोकप्रिय सरकार को स्थायित्व दे, इसलिए उस काम में लगे और सब साथियों का सहयोग मिला। तो बारीक से बारीक काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ करना, न केवल उतना, मतदान के दिन तक उसमें जो भी कार्यकर्ता के वहां रिक्वायरमेंट है कि ये नेता हमारे यहाँ प्रभाव छोड़ सकता है, ये नेता की अगर उपस्थिति होगी तो उसका प्रभाव, उसका लाभ हमको मिलेगा,
तो उसको बात करना, उनकी कार्यक्रम बनाना, उनको वहां तक पहुंचाना, मुझे लगता है चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि उस समय ये रहता है कि इस चंक में इस नेता का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। यदि ये आ जाएंगे, क्योंकि हमने मोटा मोटी ये तय कर लिया था कि राष्ट्रीय नेतृत्व में से कोई और जो हमारे प्रांत में है, इनके अलावा बाहर से कोई आ नहीं सकेंगे, इसलिए हमको अपने मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ ही चुनाव लड़ना है। हाँ, इक्का दुक्का हमारे कुछ मेहमान आए, उन्होंने अपना सहकार दिया, चाहे वो बदनावर विधानसभा में दो हमारे पड़ोसी प्रांत के नेता है, तो इस रूप में हमने योजना पे हर एक चीज पर निगरानी रखते हुए उसको पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा, तो उसमें हमको सफलता मिली और ये पूरी टीम वर्क का काम था। ये तो आपने मोटी मोटी बातें बता दी, लेकिन ये रणनीति आपने कैसे बनाई कि कांग्रेस की बॉलिंग जो है, जो बॉलिंग कर रहे थे, वो बॉल पिच पर आपकी मर्जी से आए, बाउंसर ना हो, गुगली ना हो कि आप अच्छे शॉट लगा लें आपके नेता उस पर, ये देखिए आपने। कांग्रेस तो शुरू से ही हिट विकेट होती रही, कांग्रेस खुद अपनी गलतियां ऐसी करती रही जिसमें खुद अपने जाल में फंस गई। उनको मालूम है मध्य प्रदेश में शिवराज जी के प्रति जनता में आदर का भाव है, तो शिवराज जी के प्रति आपने टिप्पणी की, आपने खुद ही अपने गोल में जाकर, अपने ही डी में जाकर के गोल ठोक दिया, और उसमें उस और कोई दोष नहीं। फिर आप भी वाणी, फिर आप मध्य प्रदेश में महिलाओं का इतना सम्मान, वैसा वातावरण शिवराज जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में इतना महिलाओं के प्रति आदर का भाव पूरे मध्य प्रदेश में बना दिया, आज आप महिला के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप सोसाइटली आपके लिए होता चला गया। तो हम उस अवसर को हमने छोड़ा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो जनता को एहसास करा दिया, उनको याद दिला दिया कि यही वो लोग हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, यही वो लोग हैं जो आपके कल्याण की बात सोचने वाले नेता के प्रति अपशब्दों का उपयोग करते हैं। वो जनता ने सहज रूप से स्वीकार किया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं, मतलब कांग्रेस के आरोप सही है कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी दल है। नहीं, अवसरवादी दल नहीं, आप गलतियां करेंगे तो राजनीति का क्षेत्र और चुनाव के क्षेत्र में आप गलतियों पे गलतियां करते चले गए। आपको ये विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश बहुत संवेदनशील प्रदेश है और इसमें कुछ ऐसी वैसी बात चल नहीं सकती, तो आपको जिस जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था उसका सर्वथा अभाव था, इसके कारण आपको जो पराजय का मुंह देखना पड़ा, ये मेरे परिणाम आने ही थे। चलिए, अभी आपने रणनीति की बात में कहा कि आपने जो कांग्रेस से आए हुए लोगों को दूध में शक्कर की तरह घोलने का प्रयास किया, रच बस गए, लेकिन हमने सांची देखा है जहां पर शायद दूध में नमक पड़ गया था, हमने ग्वालियर देखा है जहां शायद दूध में नमक पड़ गया था या कुछ शक्कर ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो ये क्यों हुआ जब अपनी इतनी एहतियात आप लोग बरत रहे थे? तो देखिए, सांची में, रायसेन जिले में इतनी बड़ी जीत कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार की नहीं हुई, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। लेकिन आपने कार्रवाई करनी पड़ी अपने पूर्व मंत्री पर। नहीं, अगर जो शिकायतें आई तो उनको शोकाज जारी किया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो, उनका शोकाज, तो पार्टी इस मामले में कहीं कोताही बरतती नहीं है ना, कि कहीं कोई बड़े आदमी के लिए कानून अलग और छोटे व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं होगा ना, अगर कहीं उन्होंने गलतियां की या ऐसे ध्यान में आ गई, दल की पार्टी के संगठन के नेतृत्व के ध्यान में आ गई, तो उस पर उनको शोकाज दिया। और आप देखिए कि अप्रत्याशित, कहां तो लोग मानते थे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, कहां तो हम 64,000 वोटों से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के मन में तो कोई बात नहीं थी, अगर नेताओं के मन में थी तो ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसमें व्यक्ति अगर नेतृत्व अगर नेता अगर कहीं गड़बड़ करेगा तो ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता की ही कार्यकर्ता भी उसकी बात सुनकर के वैसा अनुसरण करेगा, नहीं। ग्वालियर में हमने आज प्रद्युम्न सिंह जी बड़े अच्छे मतों से चुनाव जीत करके आए, हम जो इसमें कहीं दिक्कत हुई भी पूर्व में, तो उसकी निश्चित रूप से हम विश्लेषण करेंगे कि वहां कहां चूक हो गई, ये चूक होनी नहीं चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं लोकल भी कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण जैसा हम परिणाम चाहते हैं वैसा नहीं आ पा। जरा आपके ऊपर केंद्रित करें, आपने कहा पार्टी कार्यकर्ता आधारित है, हमने देखा मध्य प्रदेश या भोपाल की राजनीति में आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सरनानी ऐसे नेता एक साथ उभर कर सामने आए थे, आप लोग एक टीम वर्क में काम करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी लोग कुछ आपसे आगे निकल गए, आप कहीं पिछड़ गए, और अब जब आप आए तो सीधे सांप सीढ़ी में जैसे होता है कि आपने पांच सात पिका छह आगे सबसे ऊपर चले गए? नहीं, मैं मेरे से राजनीतिक रूप से, चूंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ सम्मान दिया, मैं पार्षद बना बहुत छोटी आयु में, दो बार दूसरी बार पार्षद बना, उस समय की MIC स्थायी समिति की सदस्य था, महापौर का टिकट मुझे बहुत छोटी उम्र में मिला, भोपाल भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष छोटी उम्र में बना, कुछ ऐसे कुछ चीजें हुई, वो मैं उसको मैं मानता हूं कि बीता कल था,
वो कुछ गलतियां हुई, लेकिन मैंने पार्टी के काम को, जब मेरी वापसी के बाद मैंने काम लिया तो उस काम को मैंने बड़े धीरज के साथ और पार्टी की मंशा के अनुसार करता चला गया। फिर मैंने ये नहीं देखा कि काम में कठिनाई कितनी है, मेहनत कितनी है, मैं काम करता चला गया और बिना अपेक्षा के काम किया। तो मुझे लगता है कि मेरे धैर्य में भी मेरी परीक्षा थी, और उस पर जब पार्टी को लगा कि नहीं ये कार्यकर्ता को जो काम देंगे वो काम कर सकता है, तो ऐसा अवसर आया कि अप्रत्याशित था। मैं भी नहीं मानता कि मुझे कोई इतना बड़ा दायित्व, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का महामंत्री का दायित्व बहुत सम्मानीय और बहुत बड़ा दायित्व होता है, मुझे महामंत्री का पद मिल जाएगा ऐसा भी नहीं था। और जिस दिन से मिला इसके बाद से फिर मैंने कहा ना कि अस्वस्थ भी हूं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन कर सकूं, तो चूंकि वो पार्टी का एक भरोसा एक विश्वास है, मुझे फिर से एक अवसर मिला है, तो मैं उस अवसर को, मैं सांप सीढ़ी के खेल की तरह नहीं कि मेरी जो लगातार मैं काम करता रहा और उसके कारण मेरा आकलन करते करते पार्टी ने यह माना कि इस कार्यकर्ता को कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसका वो निर्वहन ईमानदारी से करेगा। तो आज इस छोटे से बहुत छोटा सा कार्यकाल हुआ है अभी, लेकिन मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि मैं 100% दूं, मैं 100% देने का काम करता हूं, परिणाम बाकी ईश्वर के हाथ में। और उससे कुछ अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं मेहनत का शुरू ही, मैं मेहनत करता ही हूं, चाहे जो जिम्मेदारी मिली हो। जिलाध्यक्ष के रूप में भी लोग अगर स्मरण करते हैं तो मुझे लगता है सब कार्यकर्ताओं को लेकर के काम चलूं, तो उस दौर में भी मेरी तब आयु 36 साल थी जब मैं जिलाध्यक्ष था, और आज जब बातें चल रही थी कि छोटी आयु के और 55 साल के नीचे का जिलाध्यक्ष कैसे बनेगा और 40 साल के नीचे का मंडल अध्यक्ष कैसे बनेगा, तो वहीं कई उदाहरण दिए गए, पूछा कि इनकी उम्र कितनी थी, राजधानी के जिलाध्यक्ष बने तो 36 साल उम्र थी। तो मुझे लगता है कि उस आयु में भी मुझे ये विवेक जरूर था कि मैं सबको लेकर के चलूं। कार्यकर्ता कभी खराब नहीं होता, वो हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं इस पर डिपेंड करता है। पलट करके हम कहीं हैं तो कहीं कहते ना आवाज दो पलट के कैसे आती है, तो उस रूप में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वापसी हमको अच्छी मिलती है। और इस रूप में काम किया, अभी भी इस जो काम करता हूं मैं, तो कार्यकर्ता का मन अच्छा बना रहे ये प्रयत्न होता है। काम तो ठीक है, 19-20 किसी का होगा, किसी का आगे पीछे होगा, लेकिन कार्यकर्ता के मन में ये लगना चाहिए नीयत साफ है, काम अच्छे से करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, ये भाव अगर कार्यकर्ता के मन में आता है तो कार्यकर्ता फिर आपको आपके नेतृत्व में आपके नेतृत्व को स्वीकार करता है और काम करने लगता है। आपने कहा आप मेहनत कश हैं, हमने देखा 2008 का जो चुनाव था आपने निर्दलीय लड़कर ऐसी मेहनत की थी कि आप दूसरे नंबर पर रहे थे, तो क्या पार्टी ने आपका आकलन इस तरीके से किया कि आपको संगठन के काम में लगाया जाए, जो कार्यकर्ता भाव से आप जो तैयार हुआ है पार्टी ने, मतलब आपको जो गढ़ा है, तो क्या संगठन की ही सेवा के लिए लगाया जाए, चुनावी राजनीति की तरफ अभी भी आपका रुझान है? नहीं, पार्टी जो काम देगी, मैंने इस बार भी कभी इस काम के लिए भी मैंने आगे बढ़कर के कोई ऐसे बहुत प्रयत्न नहीं किए, कभी नहीं। हाँ, मुझे जब सरकार में कुछ चीजें मिलने का अवसर, चाहे उस समय माननीय उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी तो पहली सीट मेरी बनी थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, तो उनका यह भी था कि आप जिस कारपोरेशन पर चाहें, मैंने कहा नहीं। अभी बीच में भी ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं कारपोरेशन का कहीं चेयरमैन, मैंने कहा मेरी रुचि संगठन के काम करने में। सपनानी जी, आपने महापौर का चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे वोट आपको मिले थे, काफी मेहनत की थी पार्टी ने, पार्टी का भी आपको साथ था। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि आपने निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा और नंबर 2 पर रहे, और आपने उस समय जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनावी राजनीति से दूर रखा है, संगठन के दायित्व तो बड़े बड़े दायित्व तो आपको दे रही है, लेकिन चुनाव की तरफ आपका पार्टी मोड़ना नहीं चाहती, तो क्या देखते हैं आप? महापौर के चुनाव के समय कुछ कमियां रह गई, थोड़े से अंतर से मैं पिछड़ गया, निर्दलीय वाला एपिसोड भी मैं उसको विषय को भूलना ही चाहता हूं, लेकिन ऐसा पब्लिक का ऐसा माहौल था उस समय, मैं चुनाव लड़ लिया। लेकिन इसके बाद मैं लगातार पार्टी के दिए हुए काम को बड़े धैर्य के साथ करता रहा, और पार्टी ने जो काम दिया, जहां भेजा मैं गया और जो काम दिया उसको किया, तो उसके कारण ये लगातार चलता रहा कि कोई दायित्व मिलेगा। लोग मेरे मित्र कहते थे कि आपको जिम्मेदारी, मैंने कहा पार्टी के ऊपर छोड़ दिया, पार्टी जो करेगी बेहतर करेगी, और जब पार्टी ने किया तो ऐसा किया कि अप्रत्याशित हो गया। मैं कहता हूं कि लोगों ने ऐसा विचार भी नहीं किया होगा कि ऐसी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लेकिन मुझे जो काम दिया है
मैं मानता हूं कि मुझमें कुछ चीजें देखी होंगी, मुझे अगर जो अवसर दिया है तो मैं निश्चित रूप से अपना 100% लगा करके पार्टी को कुछ लौटा सकूं, कुछ बेहतर कर सकूं, जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको बखूबी निभा सकूं पूरी दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ, तो मुझे लगता है कि उसकी सार्थकता होगी। और इसलिए मैंने भी अपने नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि मेरी तरफ से शिकायत का अवसर नहीं होगा, खूब मेहनत करूंगा, जो काम देंगे उस काम को और ज्यादा अच्छे से करने का प्रयत्न करूंगा। ये तपस्या काल आपका देखा हमने, आपके तपस्या काल में आप सामाजिक संगठनों की तरफ ज्यादा झुक गए थे, यदि सिंधी समाज की बात करें तो उस वर्ग की जो कमजोरियां उसको दूर करना, वहां पर समरसता का भाव लाना, या हिंदू समाज या अन्य वर्ग हैं उनके बीच में काम करना, तो ये जो आप सामाजिक आंदोलन की तरफ जुड़ रहे थे, यदि हम इसको कहें नानाजी देशमुख की लाइन पर आप चल निकले थे और फिर वापस पार्टी की लाइन पर लौट आए। नहीं, मुझे लगा कि मेरा एक धर्म ये भी है कि भाषा के आधार पर, देखिए एक कठिनाई ये होती है कि पूरे देश के विभाजन के समय सिंध प्रांत का पाकिस्तान में चला जाना और बाकी सब लोगों का शेष दुनिया में हो जाना, तो इनकी अपनी समस्याएं, कल्चर कैसे जीवित रहे, भाषा कैसे बची रहे, संस्कार है, सभ्यता है, उसके लिए तो मुझे लगता था क्या मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि मैं अपने सामाजिक लोगों को भी इस रूप से जोड़ सकूं। ये मैंने प्रयत्न किया और मुझे प्रयत्नों में सफलता भी मिली। लगातार 25 साल से मेरा एक संगठन काम कर रहा है जिसमें मैं मुखिया के तौर पर था, अभी मैंने पिछले साल ही उससे जिम्मेदारी से मुक्त होकर के दूसरे साथी को दिए। फिर मुझे लगा कि क्या मैं, जब मैं देखता था भोपाल में कि धर्मांतरण के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या हमको और उसका लाइव जिहाद वाला जो सरकार कानून लाने जा रही है इसके पीछे भी हमने सुना है कि कहीं ना कहीं आपकी भी बड़ी भूमिका है इसको तैयार कराने में। मानता हूँ कि एक सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से धर्मांतरण होता है, ये मतांतरण का एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम होता है। अब अभी चीजें खुलकर के बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर आने लगी हैं। ये चीजें तो बहुत होती थी, पूरे देश में होती, पूरी दुनिया में होती, लेकिन भोपाल भी उससे अछूता नहीं है। तो मैंने भोपाल में एक प्रयत्न किया कि कैसे हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, उन प्रयत्नों के ही चलते चाहे सामाजिक गरबे का कार्यक्रम किया, चाहे धीरे धीरे बच्चियों में चेतना हो तो महिलाओं का संगठन बना करके उनको बच्चियों को ट्रेन करना, ये निर्णय करे, वो विचार करके निर्णय करे कि वो क्या करे। तो उसी समय हमको ये चीजें ध्यान में आती कि छद्म रूप से नाम बदल करके, पहचान बदल करके लोग धर्मांतरण के काम में लगे और बड़े पैमाने पर लगे और उसमें बहुत सारी शक्तियां उनके पीछे खड़ी हैं। तो उस लड़ाई को लड़ते 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 बहुत सारे प्रयास करके उन बच्चियों को बचाया, ताकि उन्होंने बाद में धन्यवाद किया क्योंकि उनको मालूम नहीं था। अब एक बच्ची के मामले में तो उसकी बहुत एक ऐसी मूवी तैयार की गई थी, तो बच्ची से जब बातचीत हुई तो उसने कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो प्यार में ये सब चीजें कैसे आपकी ब्लैकमेलिंग हो रही है, उसको बताया उस, तो आखिर ये क्या हो रहा है, ये समाज क्यों नहीं समझना चाहता, ये क्यों, ये कौन सा प्यार है जिस शब्द को कहा जाता है कि साहब ये तो प्रेम मोहब्बत है, प्रेम मोहब्बत तो होगी लेकिन ये क्या चीजें हो रही। तो ये जो समाज में घट रहा था इसके लिए प्रयत्न हुए और सभी साथियों का सहयोग मिला, सारे संगठनों का सहयोग मिला, कुछ हद तक इसमें हम सफल भी हुए। और आज बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये कानून बनाने जा रही है, सख्त कानून बनाने जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कानून बनाने जा रही है, हरियाणा की सरकार ने कानून बनाया है, या कर्नाटक सरकार भी उस तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि जिस लड़ाई पर हम लड़ते थे या जिस सामाजिक सरोकार का ही काम मानता हूं मैं, इसमें किसी को छद्म तरीके से उसका धर्मांतरण करवाना और उसको जिहाद के रूप में करना और उसके पीछे सुनियोजित शक्तियों का होना, कहीं ना कहीं ये कमजोर करने का प्रयत्न तो था, एक विचार को या हिंदुत्व को कमजोर करने का प्रयत्न था, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। आज सरकार ने भी माना और ये सरकार ने माना तो सरकार सख्त कानून लाने के लिए आज विवश हुई है कि बने और इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम निश्चित रूप से ऐसे कानून का स्वागत करेंगे और बच्चियों की रक्षा होगी, उनको अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए, लेकिन निर्णय के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, उनके पीछे कहीं छद्म रूप तो नहीं है कि उनको आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, उस पर आप गलत नामों से आप लोगों से दोस्ती करते हो और इसके बाद उस बच्चियों का दुरुपयोग होता है। ये बड़े पैमाने पर होता है और सुनियोजित होता है, कोई अकस्मात नहीं होता, कोई एक आध व्यक्ति नहीं करता, एक बड़ा ग्रह काम करता है और ग्रह के पीछे भी बड़े बड़े लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक्सपोज होना चाहिए और उनको दंडित होना चाहिए,
तो इस काम को जहां कुछ लोग करते थे, अब सरकार अपने हाथ में ले रही, तो लगता है कि इस लड़ाई को भी एक स्वरूप मिला है और एक शक्ल मिली है, कानून के रूप में एक बढ़िया काम हो रहा है, तो अच्छा लगता है। चलिए अब चलते चलते एक राजनीतिक सवाल और आपसे जी। वीडी शर्मा जी और आप कॉम्पिटिटर रहे, टिकट के दावेदार एक ही विधानसभा क्षेत्रों से रहे हैं, हम लोगों भी खबरें लिखा करते थे, खबरें चलाया करते थे कि दोनों के बीच में ये बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिशन है। यदि हम बाकी नेताओं की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले सवाल किया, तो सब लगभग एक उम्र के हैं, आप लोग साथ वाले हैं, लेकिन आपस में एक ना एक कॉम्पिटिशन आपके बीच में, तो यहाँ उस टीम में काम करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी जैसा अनुभव तो नहीं है? नहीं, वीडी भाई और हमारे बीच में तो खूब अच्छी प्रारंभ से विद्यार्थी परिषद से काम करते करते जब वो यहाँ आए तो यहाँ भी हमारे काफी अच्छे संबंध रहे। और चुनाव में मैं कहता हूँ ना, टिकट एक विधानसभा से चार लोग हो पांच लोग हो, ये तो बहुत अच्छे संकेत हैं कि पार्टी के पास योग्य पांच कार्यकर्ता हैं, कि इसमें से किसी का चयन करना है, तो इसको स्वस्थ कॉम्पिटिशन भी मानना चाहिए, प्रतियोगिता माननी चाहिए। अभी टीम में तो मुझे लगता है कि काफी एनर्जी से भरे हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोगों को खूब प्रेरणा देते हैं और नौजवानों में काफी अच्छा। आज का युग जो है, ये 21वीं सदी भारत की सदी होगी और नौजवान सबसे ज्यादा भारत में है, ये हम देख ही रहे हैं सुन रहे हैं, तो नौजवानों का नेतृत्व करने के लिए कोई युवा अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है तो मुझे लगता है अच्छे काम की संभावना है। एक तरफ शिवराज जी ने भी जब युवा मोर्चे का और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया था, युवा थे, तो ऐसा। और आज हमारे विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न मतलब चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, या राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कैलाश जी हों, ये युवा ही थे और उन्होंने नेतृत्व किया, तो नेतृत्व अगर ऊर्जावान है तो पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी संभावनाएं निकलती है। और जहां तक मेरा प्रश्न है तो मुझे तो काम करने में बहुत सुविधा है, बहुत कंफर्ट हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है कि एक जिस तरीके से मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम संगठन की दृष्टि से करना चाहिए, उसमें विष्णुदत्त जी लगे हैं और हम सब उनके सहयोगी हैं, उस सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं कि पार्टी मजबूत हो और मध्य प्रदेश आगामी चुनौतियों का भी बखूबी सामना करके और विजय सिद्ध प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद सबनानी जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने सुना मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास जी सबनानी को, पार्षद से चुनावी राजनीति का दौर उनका शुरू हुआ था, महापौर का चुनाव लड़े, अच्छे वोट मिले लेकिन जीत नहीं पाए, विधायक का चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, वहां पर अपनी ताकत का इजहार किया, लेकिन उसके बाद संगठन के लिए समर्पित हो गए, पार्टी के जो रीति नीति निर्देश है उनका पालन करना और जो दायित्व मिले उसको पूरी गंभीरता से निभाना। हमने देखा है सबनानी जी कोरोना उसी दौर में हुआ था उनको, जब चुनाव चल रहे थे उनके पास एक बड़ा दायित्व था, लेकिन ठीक होने के तुरंत बाद उन्होंने अपना काम काज संभाल लिया। और कहा तो ये भी जाता है कि जब वो क्वारंटाइन थे उस दौर में भी पार्टी का काम लगातार करते रहे, तो ऐसे जीजी विषय वाले नेता भगवान दास सबनानी को अभी भी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि पार्टी उनके जैसे और कार्यकर्ता तैयार करेगी और योग्यता का पूरा सम्मान करेगी। सच्चाई में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।